हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बनकेवरा भाग वन के तहत नाटक करम बिहान को देखेंगे, जो डॉक्टर गिरिधारी राम घोंजू के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें गिरिराज के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर गिरिधारी राम घोंजू का निधन 2021 में हुआ है और 2022 में इनको मरणोपरांत पद्मश्री से भी नवाजा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही पॉपुलर साहित्यकार हैं नागपुरी साहित्य के। करम बिहान नाटक में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मुख्य पात्र हैं। इसमें मुख्य पात्र हैं सुगी, सीवा, उसके पापा मतलब बाप, माई, बीसु, मंगरा, भरथू, पाहन, झगरू और डॉक्टर। हम लोग और डिटेल से देखते हैं। पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बनकेवरा भाग वन में, जो नागपुरी साहित्य शिस्त के अंतर्गत आता है, उसमें मैक्सिमम चैप्टर अंधविश्वासों के ऊपर बनाया गया है। क्योंकि झारखंड समाज में उस समय बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ था। जब कभी भी किसी का तबीयत खराब होता था तो सबसे पहले डॉक्टर के पास ना जाकर ओझा मती से करवाते थे, जिसके चलते कभी कभी उन लोगों को अपना जान भी गंवाना पड़ता था। तो इसलिए कहानीकार, नाटककार जितने भी हैं, सब उस समय जो अंधविश्वास व्याप्त था उसके ऊपर कहानी को लिखते थे। तो ये कहानी करम बिहान भी अंधविश्वासों के ऊपर बनाया गया है। जो करम का पर्व होता है उसमें, इसमें दिखाया गया है कि उस दिन क्या क्या होता है, पूरा डिटेल से बताया गया है। और उस समय ही जो सुगी होती है, जिसको सुगो इस चैप्टर में नाम दिया गया है, उसका तबीयत खराब हो जाता है। वो अचानक गिर जाती है और उसका तबीयत खराब हो जाता है। उसके बाद उसको डॉक्टर के पास ले जाकर ओझा मती से करवाते हैं। इसके ऊपर ही ये नाटक में दिखाया गया है। चलिए हम लोग और डिटेल से देखते हैं। पहले पात्र का परिचय देख लेते हैं। पात्र हैं सबसे पहले सुगी ना, सुगी सांवरले सुंदर छोड़ी लीला रंगल साड़ी में। ये सांवली कलर की है और ये मतलब सुंदर है, देखने में अच्छी है, और नीला रंग की साड़ी पहनी हुई है। लीला रंग रंगल साड़ी में मतलब नीला रंग की साड़ी पहनी हुई है। सीवा है, सीवा एक लड़का है, सांवर ले सुंदर छोड़ा है और पैंट कमीज पहना हुआ है इस नाटक में। बाप ठेवना भर धोती में ओता ओढ़ल, मतलब कि ठेवना भर धोती पहने हुए हैं इनके पिताजी। ठेवना भर धोती में ओता ओढ़े, मतलब ठेवना भर धोती पहने हैं और गमछा लिए हुए हैं। माई हरियर साड़ी में कंतरिया खोसा, हरियर साड़ी पहनी हुई है और कंतरिया तर यहाँ पे खोसा मतलब कान तक रखने वाला, कान के ऊपर जो बाल में लगाने वाला आता है वो भी खोसी हुई है माई। ठीक है, अब यहाँ बीसु नान ले गोरा छोड़ा, कलगी लागल फेटा, ठेवना भर धोती घेचा में लुंगी। बीसु नाम का एक लड़का है जो नान ले गोर, मतलब नान नान खाया ना, नान जो रोटी होता है पतला सा होता है, पतला और गोरा भी होता है, मतलब उजला होता है पूरा, तो उसी तरह से ये उजला है नान के जैसा। कलगी लागल फेटा, और उसमें कलगी मतलब मोर जैसा लगा हुआ फेटा है, मतलब कि एक क्या बोल सकते हैं, पगड़ी टाइप का है। ठीक है, ठेहुना भर धोती पहना हुआ है, घेंचा में लुंगी, घेंचा मतलब ये होता है गर्दन में लुंगी लिपटा हुआ है बिसु। ठीक है, बिसु का कैरेक्टर देख लिया हम लोग। अब मंगरा का देखते हैं। मंगरा, मंगरा मोट ले करिया छोड़ा, क्या है मोट है और करिया है, करिया तोलोंग छोड़ल। अब यहाँ पे करिया एक पहनावा होता है जो ऊपर पहनते हैं ना, शरीर के ऊपर पहनते हैं, एक करिया वस्त्र है। ठीक है, करिया एक वस्त्र का प्रकार है जो तोलोंग छोड़ल है उसमें। ठेठ मुंगेर घेचा में मुंगा माला, ठेठ मुंगेर मतलब ये मुंगेर उसका ठेठ है, मतलब चटला है कह सकते हैं एक तरह से, और मूंगा माला पहना हुआ है, गला में मूंग का माला पहना हुआ है। अब भरथू का देख लेते हैं कैरेक्टर। भरथू लंबा ले सावर छोड़ा, मतलब लंबा है भरथू जो है, लंबा है और सावर छोड़ा है। तोलोंग ये भी तोलोंग पहना हुआ है। गंजी पलटन करिया पिंधल, अब ये भी करिया पहना हुआ है, वस्त्र है और गंजी है उसके ऊपर करिया पहना हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। पाहन बूढ़ा ले फेटा, बूढ़ा है फेटा पहना हुआ है, ये भी पगड़ी टोपी जैसा बना हुआ है, काटकर माला और लकड़ी का माला है, और जनेऊ एक टंगिया धोती में, और जनेऊ टांगा हुआ है मतलब एक टंगिया धोती में, मतलब कि इसका एक टांग में धोती पहनते हैं ना एक तरह से, एक तरह खुला रहता है थोड़ा उस तरह से, और जनेऊ भी पहना हुआ है क्योंकि ये पाहन है, पुजारी है। अब यहाँ पे झगरू, झगरू का क्या रोल है,
अंधेर ले, अंधेर नहीं है अधेर है, ठीक है, अधेर ले मोड़ में जबर जबर जट, मतलब माथा पूरा जट है, ठीक है। कपार में लाल टीका, पूरा लाल टीका लिखा हुआ है। घेंचे, घेंचा जो है घेंचा में लाल गमछा, और गला में क्या है, लाल गमछा है, ये झगड़ू है, ठीक है, यही ओझाई मत करेगा। डॉक्टर, डॉक्टर यहाँ पे जवान ले छोड़ा, जवान है, चरका कोट में, मतलब चरक कोट, डॉक्टर तो चरक पहनते ही है। और यहाँ पे और भी है, छोरी मन, मतलब बहुत सारी लड़की लोग हैं। एक आखरा खेले भैर, एक आखरा है मतलब आंगन है जहाँ पे खेलते हैं, कर्म पूजा करते हैं, गोले गोले डांस करते हैं, नाचते हैं। रंग रंग कर साड़ी जाकिट में, मतलब तरह तरह का साड़ी जाकिट पहनी हुई है। मूड़ में चांदी कर क्लिप लागल है, और सबके माथा में चांदी का क्लिप लगा हुआ है, जिस तरह से तैयार होती है पर्व त्यौहार में, कर्म का त्यौहार होता है तो उस तरह का दृश्य दिखाया गया है। अब हम लोग दृश्य वन में देखेंगे कि क्या क्या होता है। नाटक बहुत अच्छा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नजर एक, दृश्य एक, सुगो अकेले डराले डराले हिने हुने देखते आवेला। सुगो जो है अकेले, मतलब डरते डरते इधर उधर देखते हुए आती है। सांझ होई जाए रहे, और समय क्या था, सांझ का समय था। धुंधुर बेरा, और अदम कुछ दिख नहीं रहा था, पूरा धुंधुर हो गया था, अन्हार हो गया था। ठाड़ होई के केकरो आसरा देखेला, और वो ठाड़ होके किसी का वेट कर रही थी, इंतजार करी था, कर रही थी। गोन सुगो, आँख से ओकर डराल और नी डराल दुयो भाव प्रकट होवेला। वो ऐसा लग रहा था उसके आँख से कि वो डर भी रही है और नहीं भी डरने की कोशिश कर रही है, इस तरह से हाव भाव दिख रहा था। अचके गोटे करम डायर झाड़झुड़ाई के सुगो कर आगे गिरेला। एक करम का पेड़ का डाली झरझरा के सुगो के आगे गिरता है। सुगो अचके डायर कर गिरेक से डराए के चिचियाईला, आ इस तरह से सुगो डराती है क्योंकि वो डर जाती है अचानक पेड़ से ऊपर से गिरता है तो, पेड़ के टहनी ऊपर से गिरता है तो। अब सिवा अचके गज से डाइक के उतरेला। डराई गले सुगो, ये तो मोई रहो। अब सिवा क्या बोलता है, तुम डरा गई, ये तो हम थे। सुगो देख तो मोई कितना जोर से डराई गेलो, देखो तो तुम कितना जोर से हम डरा गए, भाग तोई तो मोके एकदमे डरवाई के मोर आधा जान ले ले रहीस, तुम भागो, तुम्हारे चल तुम तो डरवा के हमको पूरा जाने निकाल दिया था। सिवा बोलता है फिर, मोई तो तोर इम्तिहान लेत रहो कि तोय बहादुर और निडर हाइस कि नहीं। हम तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, परीक्षा ले रहे थे कि तुम बहादुर हो कि नहीं हो। सुगो बोलती है, भाग मोई तो सोच लो कोनो कर्म टोंगरी कर भूत उत है के। सुगो बोल रही है कि चलो हम तो सोचे कि यहाँ कोई भूत उत टोंगरी वाला भूत तो नहीं है, कर्म के टोंगरी के भूत है। सिवा, धत सार के कौन भूत रही ई कर्म टोंगरी में, ई कर्म टोंगरी में कौन भूत रहेगा। सिवा बोला कि कर्म टोंगरी में कौन भूत रहेगा, ई दुनिया में कौनो भूत आहे कुछ न खे, मतलब ई दुनिया में कोई भूत प्रेत नहीं है। सुगो बोल रही है, से जे सब कहे ना कि कर्म टोंगरी में सांझ के भूत निस्केला, तो सब तो कहता है कि कर्म के टोंगरी में भूत निकलता है शाम के। सिवा बोलता है, से है तो मोय बताए के ले तो कि ठाव में ई बेरा बुलाए हो, इसीलिए तो हम इस समय तुमको बुलाए हैं शाम के समय यहाँ यहाँ पे कि यहाँ भूत उत नहीं रहता। देख आज कौन भूत आवेला, देख आज कौन भूत आता है। सुगो तोय जहाँ रहबे, सुगो बोल रही है तोय जहाँ रहबे वहाँ भूत भला आ सकेला। सुगो बोल रही है तुम जहाँ रहोगे भूत आएगा। ई आइज मोय जान ले जान गिलो, सुगो क्या बोल रही है कि आज हम जान गए तोर इम्तिहान तो अब पूरा हो गेलक, तो तुम्हारा इंतजार पूरा हो न गया, आज तो तोय रहबे कर्म पूजा में। अब बोल रही है कि ठीक है आज तो तुम कर्म का पूजा है तो आज पूजा में रहेगा ना। सिवा बोल रहा है, नहीं सुगो मोय एखनो खुटी चली जाए जामू। सिवा क्या बोला कि हम तो अभी खुटी चल जाएंगे, कायले मोर इम्तिहान कर आखिरी दिन है कि मेरा इम्तिहान है, परीक्षा है, उसका आखिरी दिन है, हमको तो खुटी जाना पड़ेगा एग्जाम देने। आज कर्म है के सेले मोई तोर से भेंट करेक आई हो, बोल रहा है सिवा कि आज कर्म था इसलिए आज तुमसे मिलने आ गए। तोर नाच देखे एक गीत सुने के बड़ा मन रहे, मुदा जिंदगी कर सवाल आहे।
शिवा बोलता है कि तुम्हारा डांस और नाच देखने के लिए ना, तुम्हारा गीत गाना सुनने के लिए हम मेरा बहुत मन था, लेकिन क्या करे, जिंदगी का सवाल है, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा पड़ेगा। सुगो अब बोलती है, तब तो नी रहबे तो आज कर नाच गान जम जम कबे नी करी। अब तुम नहीं रहेगा तो आज का डांस गाना नाच गाना जो भी होगा वो तो अच्छा लगेगा ही नहीं, जमकबे नहीं करेगा। मोर तो एखने ले मनक रिझ रंग उतर गिलक। हमर तो अभी से अब खराब लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लगेगा अब डांस उन्स करने में, गीत गाना में अभी से हमको मन मेरा उतर गया है। शिवा बोलता है, नहीं सिगो, आज करम है के, आज करम है, करम का त्यौहार है, तो नहीं नाचबे गाबे तो करम राजा का नियर खुश हो बे। अगर तुम ही नहीं नाचेगी तो करम राजा कैसे खुश होंगे, गुस्सा जाएंगे करम भगवान जो है। तो अपन कर्म के ओहे तोर धर्म होई, तुम अपन कर्म के करेगी तभी तुम्हारा धर्म होगा। मोय अपन कर्म मोय अपन कर्म ओहे मोर पूजा है के, जिंदगी है के, और मेरा जो कर्म है वही हमारा पूजा है। मेरा एग्जाम देना कर्म है तो हम एग्जाम देंगे, परीक्षा देंगे, वही हमारा पूजा होगा, वही हमारा जिंदगी होगा। कहना कि कर्मे धर्म है के, सब लोग कहता है कि कर्म ही धर्म है। शिवा समझा रहा है, कर्मे पूजा है के, जिंदगी है के, ये दुनियाई कर्म कर है के, ये दुनिया में कर्म करने के लिए आए हैं सब, सहले तो हमरे कर्म कर इतना महानतम मनीला और कर्म करीला। इसीलिए तो हम लोग कर्म को ही सबसे प्रधान मानते हैं, महान मानते हैं, इसीलिए तो कर्म करते हैं। अब सुगो बोल रही है, मोई तो कर्म भैया कर धर्म ले करो ना, हम तो कर्म पर्व अपने भैया के लिए करते हैं। हलहो मोई कर्म राजा से विनती करमू कि कर्म राजा तोर इम्तिहान में मोर कर्म कर डबल नंबर देबाई, लेकिन फिर भी हम कर्म राजा से, कर्म भगवान से तुम्हारे लिए विनती करेंगे कि तुम्हारे इम्तिहान में, परीक्षा में डबल नंबर देंगे। इसलिए अब शिवा बोल रहा है, शिवा जा तब तोर बेरा होत है, तोर संगी मन खोजत हो भाई जायला। सुन डराबे तो नहीं कि पहुँचाए देव। शिवा बोलता है कि जा अब, तोहर संगी मन मतलब तोहर साथी सहेली लोग खोज रही होगी और जायला। और फिर बोलती है, सुन 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 डराबे तो नहीं, मतलब डरेगी तो नहीं ना, पहुँचा दे क्या। सुगी बोलती है, नहीं मोई चल जामू। वो क्या बोलती है कि हम चल जाएंगे, तो इतने रात के उतना दूर जाबे तो के डर नहीं लागी। सुगी बोलती है कि तुम भी तो इतना दूर जाओगे हमको छोड़ने, तो तुमको भी तो डर लगेगा ना आते समय। शिवा बोल रहा है, नहीं मोई तो के याद करते चल जामू। शिवा बोलता है, ना हम तो तुमको याद करते करते चल जाएंगे, ना डर लगी ना थकवासी, और ना ही थकावट लगेगा ना डर लगेगा। अब दृश्य 1 समाप्त होता है, अब दृश्य 2 नज़र 2 स्टार्ट होता है। चलिए हम लोग अब देखते हैं पात्र अब कौन कौन है दृश्य 2 में। बाप है, माई है, सुगो है, मंगरा है, बिशु है, भरथू है, पाहन भी इसमें आ गया है, झगड़ू, डॉक्टर, शिवा और छोरी मन, इतने सारे लोग हैं दृश्य 2 में। चलिए अब दृश्य 2 कहाँ का है, ठाव बेरा कर्म कर राइत, मतलब ठाव बेरा जहाँ पे कर्म का डांस होता है, जहाँ कर्म का पूजा किया जाता है वहाँ ठाव पे। छोड़ी मन झूमर खेलत है, छोड़ी जितने भी लड़की लोग हैं सब झूमर खेल रही थी। मंगरा मांदर बजा थे, मंगरा जो करेक्टर है ना वो मांदर बजा रहा था, ढोल बजा रहा था। बिशु बंसरी फूकत है, अब बिशु क्या कर रहा था, बांसुरी बजा रहा था। अब भरथू भरनी भरत है, भरथू जो है एक प्रकार का यंत्र होता है, भरनी उसको भर रहा था, फूके ही बजाने वाला है, भरनी भर रहा था, झाल बजाना टाइप का ना, झाल भी बजाते हैं कितना लोग, तो ये भरथू जो था भरनी भर रहा था, ठीक है। गीत कर आखिरी कड़ी में सुगो गिर जायला, अब गीत जब हो रहा था उस समय आखिरी कड़ी था, अब गाना खत्म होने का, उसी समय गिर जाती है। नाच बाजा गीत होका हो जायला, अब नाच बाजा गीत जितना भी होता होका हो जायला, मतलब कि सब शांत चुप हो जाता है। सुगो के सब चारों दिन से छेक ले लेना, अब सब क्या कर रहे थे, सुगो को छेक लिए, छेक भी लेते हैं, मान लो कि उतना सारा भीड़ है और अचानक गिर गई तो सब तो अकबका जाएगा ना। एगो छोड़ी का हो ले कोनो जवाब नहीं देवेल, मतलब कि कोई जवाब ही नहीं दे रहा, क्या हुआ भाई, कैसे गिर गई, क्या हुआ। मंगरा सुगो सुगो ए सुगो, सुगो के मंगरा हिलाइला, हिला हिला के पूछा, ए सुगो ऊ आइस ना उइस नहीं करेला, ना ही तो ऊ कुछ नहीं कर रही है, कुछ बोल नहीं रही है।
अब यहाँ पे बिशु सुगो कर नारी धरेला, बिशु क्या करता है सुगो को नारी धर के चेक करता है, इकर तो नारी एकदम धीरे चलत है, बिशु बोलते हैं ये तो नारी बहुत कम चल रहा है, नारी इसका जो है बहुत कम चल रहा है। भर्थु भरते भरते आवेला, धीरे धीरे भरते भरते आता है, सिखाई के सुगो के देखेला, खिसियाई के ना खिसियाई के सुगो के देखेला, ऐसे करके दिखता है दम नजर से, छो होआ कहता है छो हुआ नहीं दिखा था, उकर आँख उलट जाए है, वो बोला कि अरे बाप उनका उसका तो आँखें उलट गया है। तीसरी छोरी बोलती है तब तो एक कौन चोरीन जातलेक होई, तो एक छोरी बोलती है लगता है कि इसका कोई चुड़ैल है इसको जात दिया है। अब भर्थु बोला नहीं एक भूत धैर्य है, नहीं इसको चुड़ैल नहीं इसको भूत धरा है। भर्थु बोला सांझ बेरा करम टोंगरी बट जात रहे नी, भर्तु बोल रहा है कि लगता है सांझ घड़ी कर्म के टोंगरी गई थी इसीलिए इसको लगता है भूत धर लिया है। एगो छोड़ी ये तो शिवा से भेंट करे जाए रहे, एगो छोड़ी कबूल दी वहाँ पे कि तो शिवा से मिलने गया था गई थी। मंगरा तब तो ठीक में कर्म टोंगरी कर भूत धैर होय, अब सब गेस कर रहा है कि अब तब तो पक्का कर्म का टोंगरी का जो भूत है वो धरा होगा इसको। दूसरी छोड़ी क्या बोल रही है, हमरे कही रही सांझ बेरा करम टोंगरी बटे ना जा, हम बोले थे इसको कि शाम के करम टोंगरी बटे मत जाओ, हमरे कर कहल के तो ई मानलक नहीं, मानबे नहीं कि हम जो बोले थे, चला एकर आयो आबा कर के कह देव छोड़ी मन जाए ना। अब लोग बोले कि चलो इसके माँ बाप को बता देते हैं ना, कह के चली जाती है माई। अब माई आती है कांधते आवेला मतलब रोते आवेला, हाय रे मोर सुगो का होले बेटी, वो बोल रही है कि हाय रे मेरी बेटी का हो गया, कहनी का होले कहना कुछ तो बोल, सुग के पोटराई के कांधे लगलग पकड़ के लिपट के रोने लगी उसकी माँ बाप आई के, सुगो बेटी का होले बा मतलब वो भी बोल रहा है कि बेटी का हुआ बेटी, माई अब जाओ नहीं कोनो जतन करूँ, जाइए ना कोई उपाय कीजिए, ई ठीना के ठाड़ रहेल काम चली, यहाँ ठढ़ुआ के मतलब खड़ा होकर देखने से काम चलेगा, जाओ बदाई के जाओ मतलब तुरंत जाइए तेजी से जाइए, गांव कर पाहन मन के धर लानू, पाहन के धर लानू इनका भूत लगता है छुआ, मतलब सबको यही अंदाजा था कि भूत छुआ है, कर्म खेलते खेलते मोर बेटी के का हो गलक एक गे आयो, वो बोल रही है कि हे का हो गलक मोर बेटी के कर्म खेलते खेलते क्या हो गया गे माई करके मतलब रोता है ना उसी तरह से रो रही है। बाप देखा रे ये मंगरा जावा मैं इनका पाहन के हकाई आना रे, बाप बाप क्या बोलता है, बाप बोलता है देखा रे मतलब मंगरा की बोल रहा है ये मंगरा जाओ मैनका पहन के हकायाना, माई रव रे एखनो ले एह ठन हले आही, अभी तक आप यही हैं अपने से जब से नहीं जाप से नहीं मतलब अपने से नहीं जाइएगा, दूसर तीसर के आहराए लाएगी ही, दूसर तीसरा आहराते हैं मतलब दूसरा कहते हैं आप जाइए अपने से, जाओ नहीं बाबा का के एखन ले ओगीर रही है ही, मतलब काहे अब यहाँ पे ओगर ले ही क्यों यहाँ पे है, नी बाचब ई बुध में अगर ये दिमाग रहेगा तो बचबो नहीं करेगी। मंगरा हमर बुलाले कि मन का पहन आबाए, मंगरा बोला कि हमर बुलाले से मन का पहन आएगा, माई बोला काले नहीं आबाए हो गांव कर पहन है कि तो काले नहीं आबाए, उसकी माँ बोल फिर माँ बोल रही है क्यों नहीं आएंगे गांव के पहन है पुजारी हैं तो काहे नहीं आएंगे, देखभाल वही करेंगे विपत पड़ेगा तो। बा बोला का लेखे आबे कि सुगो कर आयो पाहन मन से तो हमरे कर एक हतर दफा केस चलत है, एक हतर दफा केस चल रहा है। बा बोला कि कैसे आएगा सुगो कर आयो, कैसे मतलब सुगो की माई कैसे आएगा पाहन के से तो हमन से केस चल रहा है लड़ाई झगड़ा चल रहा है, काले कचहरी में कितना कहा सुनी हो गेली, काले तो कचहरी में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गया है कहा सुनी हो गया है। तो माई बोली झगड़ा मुकदमा अपन ठावा आहे, झगड़ा मुकदमा जो है लड़ाई झगड़ा अपन सब जगह है, पहान है कहीं तो आके ही होई मतलब पहान है तो आबे करेगा आना ही होगा, गांव घर बिगड़ी छीटा धरी तो काले नहीं आए, गांव घर में बिगड़ेगा कोई छीटा धरेगा मतलब कोई छूद लेगा भूत पर छू देगा तो कौन आएगा कैसे नहीं आएंगे, जिंदगी बीत गेलक इतना दिन कहियो नहीं आमू कहिक है, इतना दिन हो गया कभी आज तक बोला है कि नहीं है भाई, ना जान लई आधा रात ना जान लई कोनो काम के सब काम छोड़ के आबे, आधा रात हो या फिर जान जाएगा तो सब काम छोड़ के आएगा, जाओ तो काले नहीं आबे, जाइए तो पहले कि नहीं आएगा, नहीं आबे तो दूसर गांव कर पहन के बुलाब, अगर नहीं आएगा तो दूसर का पहन के मतलब दूसर गांव के पहन के बुलाएंगे,
पहले तो जाइए तो आप। बापो बोल रहा मो जात हूँ, जायक लागला कह के कि हम जा रहे हैं, जल गया। मंगरू रह काका मोहो जात हूँ, मतलब बोल रहा कि मैं भी जा रहा हूँ, चल चलते हैं। माई जावा हो मंगरा तोरे कर पहान सैया आबा है कई। और माई बोल रही है तू ही जाओ मंगरा, तू ही जा, तोरे से आबा है, तोरे से ज़्यादा दोस्ती है कई ना, आबा मतलब दोस्ती है। कोनो लखे समझाए बुझाए के आनबा, तू ही ऐसे समझा बुझा के ले यह पहन के। अब पहन आता है, पहन आके बोलता है कने हो बहोरिया के का होला है, मतलब किसका का हुआ, छवा मन जून कह ले। अब यहाँ पे माई बाप हर बुलायक ले जाए है नी भिटाल का। माई बोल रही है कि इनके पापा भी गए थे बुलाने, नहीं भिटाए का। पहन कने देखो मैया के का होलक, पहन बोलक देखते हैं मैया का हुआ, सुगो के देखेला नारी मन के अंदाज करेला। अब नारी को देखता है का लखे ईसन होलक और पूछ रहा है कि कैसे ऐसे हो गया। तो माई अब बोल रही है, माई बोल रही है देखो ने अचके सुगो के का हो गेलक, एखन नगद कर्म खेलत रहे, अभी तो अच्छे से कर्म झूमर खेल रही थी, अचके छीटा धरलक की का तब। वो बोल रही अचानक लगता है भूत उधर लिया छू लिया तब ऐसे कर रही है। पहन बोला आज सांझ के कहो जाए रहे का, वो बोल रहा है कि आज शाम के कहो गया था का अकेले दो अकेले, मतलब एक अकेले गई थी क्या या किसी के साथ, दूसरा छोड़ी बोली ई सांझ के कर्म टोंगरी बट जा रहे। दूसरा छोड़ी बोल रही है कि ये तो कर्म गाज की तरफ गई थी। पान बोला अब करम टोंगरी बट सांझ बेरा कने देखो मैया के, अब बोल रहा है करम टोंगरी में गया था सांझ बेरा गई थी, देखे मैया के सुगो के फिन देखेला। फिर देखता है और ओकर आँख मन के ओकर नारी मन के टोम डेला, अब टमोड़ के देखता है आँख मन और नारी मन के, ठीके में इके करम टोकरी के जाइत धरई है। अब बोला कि हाँ एकरा तो करम टोंगरी के ही भूत धर ले हवा, जावा हरदी गुड़ा अरवा चाउर दुई गो करिया चेगना ले आना, एखन सब ठीक हो जाए। जाइए हरदी गुड़ लेके आइए, अरवा चावल लेके आइए, दू गो चेगना देना है उसको लेके आइए, चेगना मतलब मुर्गी का बच्चा, ठीक है, अब इसके बाद ही ठीक हो जाइए। बाप अब जाता है आवेला और पहन के जोहार करेला, अब आता है अब पहन के जोहार करता है ना, पहन को प्रणाम करता है, रवरे दने हमर जाई रही, हम तो आप ही को दिन जाएंगे, मैया कैसन है, अब पूछा मैया कैसन है। पहन घबराए कर कोनो दरकार न खे, एक करम टोंगरी कर जाइत 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 जात जाइत है, मतलब कि करम टोंगरी का जो भूत है उसको जात दिया है, जाइत मतलब यहाँ पे जात दिया है मतलब धर लिया है, लानू एकर नेक जोग के, अब इसका जो भूत का जो नेक जोग होता है उसको लाइए, आइयो हर लाने जाइला। अब जो माई उसको नाने गई है, माई आने आने ला, अब आती है लेओ हरदी गुड़ा आरवा चाउर दुबला दुबला घास मतलब दुब घास और दुई गो करिया चेकना के देवेला। सब लेके आ गई अपान पताए में पुड़ियाल साना फाना के, सुगो कर गतर में ठेकाई ठेकाई के भूई में ठेकाई ला। और पताई में क्या जितना भी पुड़िया में साना फाना के मतलब जितना भी सामान रखा हुआ था, सुगो के गतर में मतलब शरीर में ठेका ठेका के, फिर भुइया में मतलब जमीन में ठेका के, और कांखे में चिमटाते जाएला, और कांख में दबाते जा रहा है, इधर झोला वोला रखा होगा चाहे दबाते जा रहा है, चेगना के चाउर चराएला और जायक लगेला। चिकना के चाव चढ़ा दिया, ले को चढ़ाते हैं ना काटने से पहले या फिर चिकना देते हैं तो अब उसको चढ़ा के अब फिर जाने लगता है। एगो तापान ढारेला कोसन उठाई रहबा, और क्या बोलता है कि तापान ढारना मतलब तापान मतलब दारू और नशा का चीज़ ढारा जाता है ना देवी देवता पे, तो ढाने के लिए बोलता है जा ले आइए कोसना मतलब ढड़िया या फिर जो भी है बोतल वोतल लेके आइए, ऐसे बोलता है। अब बाप बोलते हैं ना, उनके जो बाप है सुगो सुगो कर आयो सुनत ही, अब वो बाप बोल रहा है सुनो का आयो सुनो मतलब सुगो का माँ आई सुनत ही, एगो कोसना उठाई कहत है मतलब अब कोसना उठा के लाओ तपाऊ ढारे वाला। माई बोल रहे जाऊँ एक ठो कहे के कहे दूगो उठा के देबू, मतलब एगो का दूगो हम तपाऊ ढारेंगे, दीजिए एगो और हड़िया ना, छुआ के तो बेस होवे के देऊँ, छुआ के तो बेस होवे दा। पहन बोला होई हो, पहन क्या बोलता हो जाए मतलब ठीक हो जाए, एक घड़ी में कूद उठी तुरंत उछले लगेगी, मैया के घर ले जावा और तेल फूल मन माइख देवा। अब मैया के घर लेके जाइए यहाँ से और उसको तेल उल लगाइए। पहन अब जाता है सुग के सब मिल के तुलइंग के घर जाए ना, मतलब उसको टांग उंग के घर चल जाते हैं। अब दृश्य टू खत्म होता है, अब दृश्य थ्री नजर थ्री स्टार्ट हो जा रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं अब।
ठाव मतलब कि अब ठाव भी है, सुगो कर घर, सुगो कर गोड़ हाथ में सब तेल माखत है। अब वहाँ पे सिर्फ तेल लगा रहे हैं क्योंकि पान कह के गया था। सुगो कर बेस होवे कर नावे नहीं, अब तो घर मतलब सुगो ठीक ही नहीं हो रही है। घर कर आदमी अकबकाए आहे, घर का आदमी बहुत ज़्यादा अकबका गया कि अभी तक ठीक नहीं हुई, पहन भी देख के चला गया। अब माई बोल रही है, ए सुगो करा बा मतलब ए सुगो के पापा जाओ नहीं बाबा कोनो जुगुत करूँ, जाओ ना कोई मतलब कोई उपाय कीजिए, पोढ़ा टोली कर, पोढ़ा कौन टोली, पोढ़ा टोली कर जो झगड़ू है मती कर धर नानू, जो ओझा है ना उस टोला के, पोढ़ा टोला के उसको धर लाइए। पहन कर नी सुनल की का, लगता है कि पहन के कुछ नहीं सुना। सुगो हमर के धोखा देत बुझाए थे, लगता है कि सुगो हम लोग के छोड़ के चल जाएगी, धोखा दे देगी। जाओ नहीं का देखत ही, क्या यहाँ देख रहे हैं, जाइए ना कुछ करिए ना उपाय। एखन ये आधा आधी रात होई है, अभी तो आधा ही रात होइल है। बाप बोलाब, एखन अधरतिया पहर की आवे खोजी झगरू, अभी अधरतिया में आवे ल खोजेगा झगरू। माई अब बोल रही है, काले नहीं आवे, एगो पठियाई जून लई मंगरा के लेते जाऊं, अकेले ना जाब। अब क्या बोले, क्यों नहीं आएगा, एगो पठिया लेके जाइए, बकरी लेके जाइए एगो, और उसको मंगरा के भी साथ में लेके जाइएगा, कैसे नहीं आएगा, अकेले मत जाइएगा। अब बाप बोलता है, देखबे तब न मैया के, देखबे तब मैया के, मोई झट के आमो जाइला। अभी कह के जाता है कि मैया के देखिए ना हम तुरंत आवत ही। माई बोलती है, हाय आयो, माई फिर क्या बोलती है, हाय आयो मोर बेटी के का हो गेलक, कौन ईसन डाइन बिसाही मोर बेटी के ई हाल कर देलक, गे आयो, कह कह के रोने लगी पूरा कि कौन ऐसा डाइन बिसाही, कौन ऐसा था जो हमारे बेटी की कर दिले है। कने कर कौन ढूंगिया उठाई जात के हुए ने भेटायलक जे मोर बेटिया के ऐसे कर देलक। बोल रही है कि कहाँ से ये ढूंगिया मतलब ये हवा के इधर से चलल था, किरा धर रहा था हमारे बेटी के, काहे धरलक, कोई नहीं मिललक तो हमारे बेटिया के पकड़ लेलक भुतवा, ऐसे कह के रोती है ना, उस तरह से रो रही है। अब मंगरू आए के, मंगरू आता है, आयो ऐसा ना गरियाओ, ऐसा गाड़ी मत दो ना कि एखन तो हमरे उकर साइसत में आही, अभी वो ही भूतवा के गाड़ी दे रहे हैं, वही भूतवा पकड़ ले है, अभी गरियाएगा तो आप पकड़ ले रहेगा। ये कह रहा है, अभी उसके हम लोग शासन में है, उसके साइसत में ही, उसके कब्जा में अभी है, ओके गरियाले बड़ा मुश्किल हो जाए, उसके गरिया उसको गरियाएगा और मुश्किल हो जाएगा। देखो छुआ के सुगो कर नारी के धर के देखेला। अब मंगरू भी देखता है उसके नारी को पकड़ को देखता है कि देखते हैं छुआ के देखें। अब माई बोल रही है, माई आज कर्म उपवास कर रहे पूजा करे के ओ देखो संगमन हकालय तो काबो खाबो नहीं करलै और चल गेलै खेले। देखिए आज कर्म उपास मतलब आज कर्म के उपास की थी, कर्म पूजा की थी, पूजा करे के लिए देखो, पूजा करने के लिए ये बेचारी उसके साथी लोग हकाले मतलब बुलाया बुलाई बुलाए लोग, तो ये खाना भी नहीं खाई और चल गई। खेलते खेलते जे धरलक रे बाबा ठाढ़े पटकाई गेलक ठाई के। माई बोल रही है कि खेलते खेलते का पता नहीं का धरा कि एकदम ठाढ़े पटका के गिरिए गई। अब झगरू बोल रहा है, लानू सब, झगरू आया है ना, नानू सब साना फाना के मतलब लाइए सब सामान के, ढकनी में गोईठा कर आग, अब ढकनी में गोईठा के आग लेके आइए, केस लेके आइए, लोहबान लेके आइए, लोहबान जलाने वाला होता है ना, गंधक धुवन धूप मन कर इंतजाम करूँ। तो अब बोले कि सब ले आइए, लोहबान गंधक जितना भी होता है, लोहबान भगाने से मानते हैं कि भूत भाग जाता है उसी तरह से। अब यहाँ पे देखिए, सामान कर जुगाड़ होवे के लागलक, जेकर घरे जे रहे लाने लागलक, मतलब जिसके घर में जो भी था सब सामान उपाय जल्दी जल्दी सब कर रहा था अगल बगल के जितने भी लोग थे। झगड़ू अपन जट के छोड़लक, मतलब जट बना हुआ था ना उसका, पूरा जट के खोल दिया, लोहा का चिमटा मंडलालक, और लोहा के चिमटा के मंगलाया, गर्म किया उसको ना, मंगाया। अब घेचा कर मतलब कि अब जो उसका गर्दन में जो रुद्राक्ष कर माला के हाथ में लेके घिंदरा के लागलक, अब यहाँ पे उसको ऐसे ऐसे करके ना जपने लगा, और माला निकाल के मुड़ के धोने के लागलक, अब पूरा माथा पूरा घुमा के एकदम करने लगता है जिस तरह से ओझा करते हैं। आग लोहबान गंधक धुवन मन आ गेलक, अब धुवन वन जितना भी था लोहबान गंधक सब आ गया। अब झगरू छुआ के हेटे भूई में उतार के सुतावा, अब क्या बोला कि छुआ को नीचे उतार के सुताओ जमीन में। अब यहाँ पर देखो, अब मंत्र पढ़ेगा, मंत्र पढ़ के लोहबान गंधक
के देख लागलक। अब लोहवान गंधक जो भी है ना उसमें डालने लगा। धुंगिया पसरे लागलक, अब धुआं पूरा होने लगा। माई बाप मन बैठ गिलक, अब बाप माई ये सब वहाँ पे बैठ के चुपचाप धुंगिया कर जोर से सब खो खो करे लागलक। अब इतना धुआं हो गया कि सब खांसने लगे, खाए खाए करने लगे। या गुरुजी अवगणनाथ भूतनाथ, फिर लोहबान गंधक केस में आग में देलक। और फिर क्या बोला, या गुरुजी अवगणनाथ भूतनाथ, बड़ पहाड़ी छोट पहाड़ी, मसना कर डाड़ी कर, फिर धूप धुवन ऐसे बोलकर धूप धुवन देवे लगलक। सब मनाता है, गांव देवता को बोलता है, वो झलोक आप लोग सुने भी होंगे। गांव देवता डीह देवता कुटुम्ब देवता केकरो नहीं लागल है पता, फिर गंधक लोहबान की आग में देलक। कह के कि किसी को पता नहीं लग रहा है, इस तरह से कह के डाला। मुंह के जोर से धुने के लागलक, पूरा जोर जोर से धुने लगा। धुंगिया कर सुगो बट फूकेला, और धुंगिया के धुंगिया जो निकल रहा था उसको करके फूक देता था। हाँ हाँ बोल के है किस, बड़ पहाड़ी छोट पहाड़ी मसना कर डाड़ी के है किस, एहो नहीं तो बोल के है किस, नहीं तो ले, ऐसे कह के और वो ओझा जो था बोल रहा था। आदमी कर केस और लोहबान की आग में देवेला, अब आदमी का जो केस है बाल है और लोहबान आग में डाल रहा है। फिर बोल रहा है, खरवा गढ़ा गुची डाढ़ी जाम दोहर बकरा पावा मसना डाड़, बोल कहाँ के है किस। वो बोल रहा है कि कहाँ के है, खरवा डाढ़ के है कि बुची डाढ़ी के है कि जाम दोहर के है, सबका नाम धर धर के बोल रहा है। जगह का नाम है, बकरा पावा के है, मसना डाढ़ के है, कहाँ के है बोल। चिमटा के अलगाइला, चिमटा के अग करके कलता है, बोल है कि के है किस, एहो नहीं यहो न खे, एहो नहीं तो करम टोंगरी कर जाइत, करम टोंगरी के भूत है का, बोल है किस, बोल है किस की नहीं, बोल है कि नहीं है, हाँ बोल, बोल का है किस, का खोज थीस, का लेबे बोल, का लेबे बोल, बोल का लेबे, रंगवा लेबे, ओहो नहीं रंगवा भी नहीं लेबे, मतलब रंगवा रंगना रंगा हुआ करिया लेबे, करिया लेबे मतलब करिया मुर्गा लेबे, मतलब सब कलर का नाम बता रहे हैं, कपड़ा लेबे कि का करबे इस तरह से। हाँ एहो नहीं, फिर चिमटा उठाएला और लोटनी के आग में देवेला। अब लोटनी जो डालते हैं सरसों लोटनी, अब जोड़ा पेरवा लेबे, मतलब जोड़ा जोड़ा पैर लेबे, हाँ हाँ लेबे, एहो नहीं लेबे तो का लेबे, फिन चिमटा उठाएला, चरका बकरा लेबे, चकरा मतलब चरक बकरा लेगा, काड़ा लेबे, काड़ा लेगा, बोल हीस की नहीं, बोल कहाँ के हीस की नहीं, तो लेबे, एक चिमटा सुगो के गोड़ में के मारेला। अब एक चिमटा सुगो गोड़ में जोर से मार देता है। अब सुगो अपन गोड़ के तनिक सोकरायला, अब इतना जोर से मारता है कि उसका पैर सुगो थोड़ा बहुत इधर से करती है। हाँ 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 बोल, नहीं तो एखन और पाबे, अब बोल नहीं तो और पारेगा, कौन है बताओ जल्दी। चिमटा फिन अलगाइला, और फिर अगला उठालता है चिमटा मारने के लिए, लोहबान के आग में फिन देवेला, लोहबान को फिर देता है, जलाता है लोहबान। या गुरु जी अवगणनाथ भूतनाथ, जान जाबे मोर साथ नी तो लगाई देबो दो हाथ, मतलब क्या बोल रहा है कि जान जाबे मोर हाथ साथ तो नहीं तो लगाई देबो दो हाथ, मतलब जोन तो यहाँ पर दो हाथ लगाएंगे, बोल का लेबे, चरका पठिया लेबे, हाँ हाँ बोल, छोड़ इके नहीं तो ले, एक चिमटा और सुगो का गुड़ मारता है कि छोड़ नहीं तो एक चिमटा और मारता है जोर से। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे सुगो, हाय आयो, अब सुगो के होश आता है, हाय आयो, माई कहते का आयो, का आयो कैसन, अब माई भी तड़प उठती है कि का हुआ, का हुआ सुगो, बाप का बेटी कैसन, बाप भी पूछता है कैसा लगा था बेटी, झगड़ू मत टोका, मत 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 बोल बाप, कुछ मत बोल, अभी होता ना झगड़ू का बोलता है मत टोका। गंधक लोबान लोटनी के आग में लगाईला, फिर चिमटा के उठाईला, और फिर चिमटा के उठाता है और फिर डालता है लोबान को। या गुरुजी अवगणनाथ भूतनाथ, छोड़ इके तुरंत साथ नहीं तो पाबे एखन दुई हाथ ना, फिर बोलता है कि छोड़ इसको नहीं तो फिर मारेंगे, मंत्र पढ़ के बोलता है, छोड़ नहीं तो ले, एक चिमटा जोर से सुगो के मार देवेला। अब तो सुगो के हाय आयोगे, ए आयो आ, ए बाबा ए आबा, ऐसे करने लगता लगती है दम पूरा। माई बाप एक साथ दो तड़पते हैं, का बेटी, इतना जोर से मारिए दिया कि दोनों तड़प उठे। अब हम लोग आगे देखते हैं, झगड़ू छुआ के होश आ गया, अब झगड़ू क्या बोल रहा है जो ये मंत्र पढ़ा था, अब छुआ के होश आ गया है, एक एक हाटी में सुताई देवा, एक चरका पटिया खोजत है और सुता, अब आपन जेठ के तोड़ के, अपने जठ मतलब जठ होता है ना, जठ के तोड़ के गोटे करिया लुगा में बांधेला और सुगो कर घेंचा में बांध देवेला और जाय लगेला।
क्या करता है अपन जट से एगो करिया मतलब जट के तोड़ के करिया लुगा में बांध के और सुगो के गर्दन में माला मतलब एक दे दिया, जंतर दे दिया एक तरह से, और सुना दूरा के ढाप देवा और चल जाएगा ये कह के दूरा के बंद कर दीजिएगा दूरा दरवाजा के ना, और ये कह के इतना चला जाता है। अब तो सुगो के थोड़ा सा होश आ गया है, अब सुगो छटपटाई लगेला, पूरा छटपटाई लगती है, हाय आयोगे हाय मैया हाय बापा करते करने लगती है, कह के उठ बैठेला और पेट के धर के गुइला करत फिर सुत जाएला। अब उठती है, उठ के बैठती है, पेट दर्द देता लगता है जोर से उसको, अब फिर सूत जाती है। माया बोलती है नी बेस होलक की का पेट बथत है, जावा कोनो करा रे बाबा। और माई बोलती है लगता है कि नहीं ठीक होई, फिर पेट दर्द दे रहा है इसको, और फिर लगता है जा कोई उपाय करो। माई बोलती है अब बाप बिहान हो गेलक, अब तो कोनो करे के होई, अब तो बिहान हो गया, अब तो कुछ उपाय करे के हो। दूराठिन गाड़ी आए के ठढ़ाइला, अब दूराठिन एक गाड़ी आता है, गाड़ी आकर रुकता है, डॉक्टर बिशु और शिवा ढुके ना। अब कौन आ गए हैं, डॉक्टर बिशु आए हैं, बिशु कौन है डॉक्टर है याद रखिएगा, डॉक्टर बिशु और शिवा ढुके ना, नहीं नहीं डॉक्टर बिशु नहीं, बिशु तो एक आदमी था ना, डॉक्टर बिशु और शिवा आते हैं, तीनों आते हैं। डॉक्टर डॉक्टर के का होलक मतलब किसको क्या हुआ, अपन बक्सा के खोले लागे खोलेला आला निकालेला, आला निकालते हैं थर्मामीटर मतलब अभी अपन नहीं स्टेटोस्कोप जिसको बोलते हैं, नाड़ी के धरेला, अब नाड़ी को चेक करते हैं, आँख पेट सब के देखेला, सब कुछ देखते हैं, थर्मामीटर लगाएला और फिर कांच कर सीसी फोरेला और सुई निकाल के सुओ के बाह में देला। अब सुई पड़ गया, डॉक्टर दे दिए। अब बाप बोल रहे हैं ये डॉक्टर के कहाँ पाला रे, बाप क्या बोल रहा है कि डॉक्टर के कहाँ से पकड़ के लाया रे ना। बिशु मोय तो शिवा के खबर दे के खुटी चल जाए रहो, हम तो शिवा के खबर दे दिए थे कि ऐसा ऐसा तबीयत खराब है, हम खुटी चल जाए रहो, और शिवा डॉक्टर के लाइन है, अब शिवा डॉक्टर के पकड़ के लाया है। बाप शिवा से बोल रहे तोर तो आज परीक्षा है नी शिवा, आज तो तुम्हारा परीक्षा था ना शिवा। हाँ काका मोर ठीन बिशु 5 बजे पहुँच गेलक, बिशु तो हमको 5 बजे बताया पहुँच गया, और सुन लो तो अपन के रोके नहीं पार लो, और हम सुने तो हमको रहा नहीं गया, हमरे डॉक्टर चौधरी कर गाड़ी में आई ही, हम तो डॉक्टर चौधरी के गाड़ी में ही आए हैं, 10 बजे परीक्षा है पहुँच जामू, हम पहुँच जाएंगे 10 बजे, डॉक्टर साहब से चल जाएंगे। अब यहाँ पे बिशु बोल रहा है डॉक्टर साहब झटके आई गेलक से ढेर, बिशु क्या बोल रहा है डॉक्टर साहब बहुत जल्दी आ गए तुरंत आ गए। अब डॉक्टर क्या बोल रहा है हमरे कर कामे का है के, डॉक्टर बोला हमर तो कामे का है, यही ना काम है भाई, जल्दी नहीं आएंगे तो कैसे जान बचाएंगे। अब माई बोल रही है डॉक्टर बाबू हमर मैया कैसन है, माई बोल रही है कि हम डॉक्टर बाबू मेरा मैया कैसी है। अब डॉक्टर बोल रहे तोहरे मन मती ओझा करके ढेर देरी कर देला, मुदा मोय आई गेलो अब घबराए कर कोनो बात नखे। तो क्या बोल रहे डॉक्टर साहब तुम लोग ओझामती के चक्कर में बहुत ज़्यादा देरी कर दिए हो ना, लेकिन कोई बात नहीं है हम आ गए हैं और घबराने की बात नहीं है। माई बोल रही है हमर मैया के का हो जाए अहे जे, माई बोल रहे मेरे मैया के का हो गया है, डॉक्टर बोल रहे हैं, अब डॉक्टर बता रहे हैं कि बेगर खाले पीले उपवास गतर में खौब नाचलक डिगलक। तो डॉक्टर क्या बोले बिना खाए पिए उपवास में खूब नाची डांस की गाही। सुगो बोल रही है अह अह आँख तनिक खोलेला, अब सुगो अह करके ना आँख खोलती है। अब शिवा बोल रहा है डॉक्टर साहब इमन के बताए देऊँ कि सुगो के भूत धैर्य रहे कि का धैर्य रहे। अब शिवा बोलता है बता दीजिए इसको अच्छा से क्लियर कर दीजिए, इन लोग भूत मुआ के चक्कर में रह जाता है। डॉक्टर सुगो के ठीक में मतलब सही में सुगो के, डॉक्टर बोल रहे हैं सुगो के सही में सच में भूत धर रहे मतलब सच में भूत धर रहा था, लेकिन सच ये भूत नहीं हाइपरटेंशन के भूत धर ले रहा। अब सेके मोर शिवा निकाल देलक, अब मतलब सेके सुवा निकाल देलक मतलब जो सुई लगा है ना वही भूत भाग गया हाइपरटेंशन के, सुवा आहे नी से बड़ बड़ भूत के कुदाई देवेला, सुई आता है तो बढ़िया बढ़िया भूत भाग जाता है। डॉक्टर बोले बाप अच्छा डॉक्टर बाबू मैया के कतई देरी में होश आई, बाप बोलता है कितना देर में आएगा, डॉक्टर तनिक देर में आ जाएगा, बकाए कर कोनो बात नखे, सुनला नहीं उ अह उ करते सुने ना आप कि अह उ कर रही है, अब होश आ जाए
आप हमरे के जायक देवा, अब हमको जाने दीजिए ना, इसको होश आ जाएगा। अब माई बोल रही है, नहीं डॉक्टर साहेब, सब ऐसने कह के चल जाए ना, सब यही कह के गए हैं, आप पाहन आयल ऐसने कह के चल गए, कोनो नहीं होलक, झगड़ूमती आयल ओहो उसने कह के चले गलक, ओकरो में कोनो नहीं होलक, आप रव रहो उसने कह के जाए लागल ही, आपको हम नहीं जाने देंगे। माई बता बोल रही है कि ना, पाहन भी आया वही कह के गया कि होश आ जाएगा, आया नहीं, झगड़ू भी वही कह के गया, हम आपको जाने नहीं देंगे। अब बाप बोल रहे हैं ना, डॉक्टर साहब हमर रवरे से अर्जी आए कि रवरे हमर मैया कर बेस हो तक ना जाऊँ। बाप भी क्या बोला, बाप बोला कि आप हमर मैया के ठीक होने तक भी मत जाइए, आप यहाँ रहिए। शिवा, अब शिवा बोल रहा है, रवरे इमनक भूत के खदिए के जाब होले बेस होई। अब शिवा भी बोल रहा है कि डॉक्टर साहब आप भूत के पूरा भगाइए के जाइएगा, तब ठीक होगा। अब डॉक्टर बोला, तोर इम्तिहान है, इतना दूर से बेरा सिरे कैसे पहुँचबे। आए शिवा, तुम्हारा तो इम्तिहान में परीक्षा है, इतना दूर समय से कैसे पहुँचेगा अगर नहीं निकलेगा अभी तो। सुगो तुरते बेस हो जाए, सुगो तो ठीक हो जाएगी, तुरते ठीक हो जाएगी। अब बा बोल रहा है, से तो ठीक बात आहे, गांव भर के छोड़ा मन में यह तो गोटे का पटलक। अब बाप बोल रहा है शिवा के बारे में कि पूरा गांव घर में एक एक यही तो छोड़ा पढ़ा, नहीं तो गांव में केव हर जोतत है तो केव गोरू काला चरात है, तो केव केकरो घरे धांगर है। बोला कि कोई या तो गांव में हर जोत रहा है, या तो फिर काला गाय बैल चरा रहा है, या तो फिर केकरो घर नौकरी नौकर का काम कर रहा है, यही एगो छोड़ा पढ़ा है। डॉक्टर अब बोल रहे, और देखा शिवा ऐसा छोड़ा है जे अपन काम कर हर्जा करके दोसर के जान बचाए के लिए कूद आलक। और डॉक्टर क्या तारीफ कर रहे हैं शिवा के, देखो कितना अच्छा छोड़ा है ना, कितना अच्छा लड़का है कि तो अपना काम को छोड़ के हर्जा करके और दूसर के जान बचाने के लिए यहाँ पे आ गया है। आज ऐसा आदमी कहाँ आए, अब ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा आपको। अब यहाँ पे बाप बोल रहे हैं, बाप क्या बोलते हैं, ए डॉक्टर बाबू इस शिवा के डॉक्टरिये पढ़े कहब। क्या बोल रहा है, ये डॉक्टर बाबू ये शिवा के डॉक्टरी पढ़ने के लिए बोलिएगा, गांव कर ई बराबर भला सोचेला, गांव के हमेशा भलाई के लिए सोचता है। सुगो, सुगो बोल रही है, ए यो, अब सुगो को होश आ गया, माई का बेटी डॉक्टर कारे मैया कैसन, डॉक्टर पूछ रहे हैं कारे मैया कैसन लग रहा है, कैसन लग रहा है, देखा ई बेस हो गेलक, अब एकर गर्म पानी। अब डॉक्टर बोले कि ठीक हो गया, अब इसको गर्म पानी और गर्म दूध दे सकते हैं। अब यहाँ पे सुगो बोल रही है, उठे खोजेला, सुगो अब ना उठे खोज दिया, डॉक्टर ओके सुते रहे के इशारा करेला। डॉक्टर बोलते हैं ना, सुतले रहो। सुगो आँख के बड़ा मुश्किल से खोलेला, इतना आदमी काले आए है बा, मतलब अब पूछ रही है ना, इतना आदमी क्यों आए हैं पापा बाबा। बाप बोल रहे हैं, डॉक्टर बाबू है के मैया शिवा बुलाए है। बाप क्या बोला कि डॉक्टर बाबू हैं ये ना, शिवा बुलाए हैं। सुगो काहेला काले। बाप बोला तोरे जीव बेस नहीं रहे, बाप बोला तुम्हारा ही तबीयत खराब था। अब शिवा बोल रहे, अब तो जीव कैसन लागत है सुगो। अब शिवा बोल रहा है, अब तुम्हारा जीव कैसन लग रहा है सुगो। अब सुगो नगदे लागत है, कर्म बिहान होलक। अब क्या बोल रही है कि अच्छा लग रहा है, कर्म का बिहान हो गया का, मतलब कर्म पूजा करने के बाद जो बिहान हो जाता है ना सुबह होता है, कर्म बिहान हो गया का। शिवा बोला हाँ हो गलक, कर्म बिहान, कर्म के बिहान तो हो ही गया, कर्म बोहाए जाबे का, मतलब कर्म का जो पूजा करते हैं ना उसका जितना डाली उली होता है सब बाद में ना वो बहाने जाते हैं, जितने भी पूजा पाठ करने जो अक्रम करते हैं वो जो रखते हैं उसको फिर बहाने जाते हैं सुबह में। अब शिबू ओहे दे छोड़ी मन करब डायर लेके ही नहीं आवत है, वो देखो छोड़ी मन जितना भी है ना डायर लेके, कर्म का जो डायर है इधर ही लेके आ रहे हैं। गीत सुना लग, गीत सुनाए थे उन्हें तोरा के। अब गीत क्या है, आज तो कर्म राजा घरे दुआरे, आज मतलब जो कर्म राजा है घरे दुआरे, आन दिने कर्म राजा डाड टिकुर ढाडे ठाडे, आज दिने कर्म राजा डाड टिकुर ठाडे, मतलब आज जो दिन कर्म राजा है डाड टिकुर, मतलब कहीं डाढ़ में यहीं में ठाड़ है, यहीं में खड़ा है। सुगो भी अब ठीक हो जाती है। अब हम लोग MCQ की चिवरा भाग वन में कर्म बिहान नाटक कर नाटककार के है कई, नाटककार जो है कौन है, तो राइट आंसर होगा डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू गिरिराज जिनको बोलते हैं। करम बिहान नामक शीर्षक नाटक में कतई नटकरवा आमन आहे, मतलब कितना नाटककार हैं इसमें, तो है टोटल 10। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है करम बिहान नामक शीर्षक नाटक कतई नज़र में
देखाल जाए है, मतलब ये जो कर्म विहार नाटक है कितना नजर कितना दृश्य में दिखाया गया है, तो 3 नजर। करम बिहार नामक शीर्षक नाटक में कौन दुई नाटक नटकरवा मन आहे, मतलब मेन यहाँ पे नाटककार कौन कौन है, दो ठो, तो सुगो और शिवा। नेक्स्ट हमारा है धत सार के भूत भूत रही ई करम टोंगरी में, ये दुनिया में कौन भूत आहे कुछ नखे। ऊपर देवल संवाद के कही है, कौन कह रहा था इसको, शिवा बोल रहा था जब सुगो से मिलने गया था शाम में। नेक्स्ट हमारा है करम बिहान नावर शीर्षक नाटक के में शिवा के इम्तिहान कहाँ देख जाएक रहे, मतलब कौन सा जगह पे जाना था इसको परीक्षा देने, खुट्टी, राइट आंसर क्या होगा, खुट्टी। करम पूजा केकर लागिन कलर 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 जायला, मतलब करल जायला, ठीक है, किसके लिए करल जाता है, तो भैया के लिए करल जाता है। करम बिहान नावर शीर्षक नाटक में सुगो कौन नज़र में गिर जायला, अब सुगो जो गिर जाती है नाचते नाचते, ये कौन सा नजर कौन सा दृश्य में दिखाया गया है, तो दूसरा दृश्य था, दृश्य नंबर 2 था जिसमें वो गिर जाती है। करम बिहार नाव शीर्षक नाटक में गीत कर आखिरी कड़ी में कौन गिर जाएगा, तो आखिरी कड़ी में सुगो गिर जाती है। बिशु का फुकत रहे, अब बिशु जो था क्या फूक रहा था, तो बिशु बस बिशु बस बंसरी, मतलब बांसुरी फूक रहा था। करम बिहार नाटक में नटकरवा भरनी भरत रहे, मतलब कौन नटकरवा भरनी भरत, मतलब कौन नाटक कर रहा था जो भरनी भर रहा था, तो यहाँ पे भरनी भर रहा था भरथू, तो ये देखो भ से भरथू भ से भरनी, ये बहुत इजी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करम बिहान नाटक में गांव कर पाहन कर नाव का है के, अब गांव के जो पाहन का नाम क्या था इस नाटक में, जावा मैन का, जावा मैन का याद रखिएगा। सुगो कर माई बाप कर 71 दफा केस केकर संगे चलत रहे, 71 दफा केस केकर संगे चलते, तो गांव के पाहन के साथ चल रहा था, इसलिए तो बुलाने के लिए उस लोग हिचकिचा रहा था कि आएगा कि नहीं आएगा। करम बिहार नामक शीर्षक नाटक में गांव कर पाहन केकर सहिया आबा रहे, मतलब पाहन किसके किसके साथ, मतलब पाहन का अच्छा पटता था किससे दोस्ती था, तो राइट आंसर होगा मंगरा से दोस्ती था। सुगो कर आयो सुनत ही, सुगो कर आयो सुनत ही एगो कोसना उठा कहत है, प्रस्तुत पंक्ति कौन नजर में के संवाद हो के, मतलब ये वर्ड जो है सुगो के आयो सुनत ही, मतलब एक कोसना उठा के कहत है, मतलब एक हड़िया तपाउन ढारने के लिए बोल रहा था ना उसमें, तो कौन सा दृश्य में दिखाया गया है, ये दृश्य हो जाएगा आपका दूसरा, मतलब सेकेंड में ही था ये। करम बिहान नाटक में झगरू मती कौन टोला कर रहे, मतलब कौन टोला कर रहने वाला, ये झगरू जो ओझा मती कर रहा था कौन टोला का था, तो हम लोग देखे थे पोढ़ा टोली के था। करम बिहान नामक शीर्षक नाटक में सुगो का करके भूत धरेला, मतलब काची का भूत सुगो को धरता है, तो राइट आंसर होगा हमारा हाइपरटेंशन का, हाइपरटेंशन का भूत उसको धर लेता है। शिवा के खबर दे के खुटी कौन चल जाएला, शिवा को खबर दे के कौन दिया था, बिशु दिया था ना, बिशु खबर दे के चल जाता है। शिवा कर परीक्षा कतई बजे रहेला, कितना बजे रहता है, तो राइट आंसर होगा 10 बजे रहता है। नेक्स्ट हमारा है करम बिहान नामक शीर्षक नाटक कौन संदेश के हमर ठीन राखेला, इसमें हम लोग कौन क्या संदेश मिलता है इस चैप्टर से, तो हम लोग को अंधविश्वास, अंधविश्वास कर नाइजर के दूर करे के, मतलब अंधविश्वास को दूर करने का शिक्षा हम लोग को इस चैप्टर से मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।